समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड प्रमुख के पद पर परिदह की पंचायत समिति सदस्य अंजू देवी ने जीत दर्ज की है। निर्वाची पदाधिकारी सह रोसरा SDM ने अंजू देवी के प्रमुख पद पर जीत की घोषणा कर प्रमाण पत्र भी दिया है। 28 पंचायत समिति सदस्यों में से 25 पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के दौरान सदन में उपस्थित रहे। वहीं निवर्तमान प्रमुख विश्वनाथ तांती, अरविंद यादव, हरिराम साह अनुपस्थित रहे। निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अंजू देवी और अमरजीत पासवान ने प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद मत विभाजन किया गया, जिसमें अंजू देवी के पक्ष में 20 जबकि अमरजीत पासवान के पक्ष में 5 मत पड़े, जिससे अंजू देवी को निर्वाचित घोषित करते हुए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मौके पर उप प्रमुख आशा देवी, अर्चना कुमारी, सीमा भारती, मंजू बाला, दीपक कुमार, किशन कुमार समेत अन्य उपस्थित रहे। प्रखंड प्रमुख का चुनाव था, क्या हुआ? आज प्रखंड प्रमुख का चुनाव था। हम लोग के बहुत प्रयास के बाद 2 महीना से प्रयासरत थे तो आज सफलता मिली और 5 वोट जो है विपक्ष में गया और 20 वोट अंजू देवी के पक्ष में गया। इस प्रकार से हसनपुर प्रखंड प्रमुख अंजू देवी आज जो है निर्वाचित किए गए। कुल 28 पंचायत समिति सदस्य हसनपुर क्षेत्र में है और जिसमें 25 का ही वोटिंग आप बता रहे हैं, 3 कहाँ थे? 3 नहीं आए, 3 उपस्थित नहीं हुए। हम लोग 25 उपस्थित थे जिसमें पक्ष में 20 और विपक्ष में 5 वोट। विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? अमरजीत पासवान थे जिन्हें 5 मत मिले। उधर अंजू देवी का जीतने हुआ है। यह हसनपुर क्षेत्र के पूरे जनता का जीत है और सारे जनप्रतिनिधि का जीत है और सामाजिक न्याय का जीत है और जो सारे जनप्रतिनिधि मिल करके अंजू देवी को प्रभाव सौंपा है। मैं अथक प्रयास करेंगे जो कंधा से कंधा मिला करके काम करने का। इससे पूर्व भी 5 साल प्रमुख रह चुकी हैं और पुनः अब जो 3 साल का कार्यकाल है उसमें हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में कैसा विकास देखने को मिलेगा? 5 साल जो इससे पहले हम रह चुके थे उसमें आपसे भी छुपाने हैं, जो आपके क्षेत्र में आप ही के साथ मिल करके काम किए जिसका परिणाम मिला।